पैदा ही हुआ था लोगों को परेशान करने के लिए। मुझसे बेटर और कोई लोगों को परेशान कर ही नहीं सकता। 20-25 दिनों से ना घर के सारे कूड़े को जमा करके सड़ा करके रखा है मैंने। देखे तो ये उसकी टेंशन तुम क्यों ले रही हो? ऐसे हाथ ऊपर करके घूमना। दुर्गंध बहुत अच्छी है, मुझे काम पसंद है। तो बहुत ही बड़ा झटका लगा है पूरे घर में सभी लोगों को मोहन की इस हरकत की वजह से। आखिर क्या है वो हरकत और क्यों सब लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं? वैसे मोहन तो पिछले कई दिनों से हमें बहुत सारे झटके दे रहा है। वैसे मोहन नहीं, मोहन कम तुलसी, ये हमारा बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर जो चल रहा है अभी, बस उसी में थोड़ा झटका, जोर का झटका लगा है हमें। बट या ऐसा ही कोई एक और झटका हमें मोहन दे रहा है अभी। जैसे आप सब जानते हैं, तुलसी बंगाली थी और बंगाली होने की वजह से उनकी मूल प्रकृति होती है, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं सी फूड, स्पेशली मछली। तो अब मोहन अपनी मूल प्रकृति यानी कि जो वेजिटेरियनिज्म है उसको छोड़कर वो मछली खा रहा है, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा झटका है। और हम चाहते नहीं कि मोहन ऐसा कुछ भी करे, तो बस उसी की टसल है। वैसे तो तुलसी हमेशा इस शो में बनी रही थी, हमेशा वो आती थी, राधा से बात करती थी, लेकिन इस बार जो है तुलसी कुछ अलग ही रूप लेके आई है। सर, रिवेंज जैसे दिख रहा है, तो एक्चुअल में रही है या कुछ और चल रहा है? देखिए, जहाँ तक हम समझ पाए हैं और जितना हमें समझाया गया है उसके हिसाब से, तो बिकॉज तुलसी एज एन आत्मा जो घर में घूम रही है, वो एक बहुत प्योर सोल है। उसकी जान अपनी बेटी में और अपने पति में अटकी हुई है, उसकी वजह से उसे शी इज़ नॉट बीन एबल टू लीव दिस यूनिवर्स। बट देन माई पॉइंट इज़ दैट हमने उसे इतना तंग किया, यानी कि दामिनी ने, कावेरी ने और गुरु माँ ने मिलकर, आपने जो एपिसोड स्पीच देखे होंगे उसमें बहुत कुछ किया है। हमने उसे बोतल में बंद कर दिया, हमने उसे मारने की अलग प्रकार से कोशिश की, मतलब गुरु माँ ने। तो वो सारा कुछ करने की वजह से ना अब वो जो वो रिवेंज मोड में जा चुकी है, मतलब अब वो जो एक प्योर सोल थी वो अब एक प्रेत आत्मा बन चुकी है। तो वो उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है अब वो उसका बदला लेना चाहती है। और इतने सालों से उसने कभी कोशिश नहीं की थी कि अपने मारने वाले को वो अंजाम तक पहुंचाए, तो शायद इसी एजेंडा से अब वो आगे बढ़ रही है और अब वो चाहती है कि उसको जिसने मारा था उसका कोई ना कोई फिनिशिंग या क्लोजर होना चाहिए। तो बस वही सब कुछ चल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक्स आने वाला है ऐसा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। हमने